हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग रैंकिंग टेस्ट इस टाइम पर कर रहे हैं, और रैंकिंग टेस्ट में मैंने आपको दो प्रकार की बातें बता चुका, यानी कि टू टाइप्स की हम बात यहाँ पर कर चुके हैं। पहली बात हमने की थी कि किसी भी रो में दाएं से बाएं से कोई व्यक्ति खड़े हैं उनकी टोटल संख्या निकालना, ठीक है। और दूसरी हमने जो बात करी थी आपकी, वो करी थी शिफ्टिंग की बात करी थी। किसकी बात करी थी? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग की। और आज जो करने वाले हैं बात, वो हम करने वाले हैं इंटरचेंजिंग पोजीशन। क्या करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट में? रैंकिंग टेस्ट में, और ये आपका पार्ट थ्री है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। इंटरचेंजिंग पोजीशन, ओके, यानी कि स्थान की अदला बदली, स्थान की अदला बदली। इंटरचेंजिंग पोजीशन ये हमें आज सीखना है, ओके। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं कि ए की बाईं ओर से रैंक या क्रम, ए की बाईं ओर से, ए का जो क्रम है, क्या कहा मैंने, ए की बाईं ओर से क्रम 13वां है, ओके। ए का बाईं ओर से क्रम 13वां है और बी का दाईं ओर से क्रम, बी का दाईं ओर से क्रम 18वां है। क्या कहा मैंने, ए का बाईं ओर से, हाँ, ए का बाईं ओर से क्रम 13वां है और बी का दाईं ओर से क्रम आपका 18वां है। अब इंटरचेंजिंग क्या होती है इस पे, ये ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेकिन अब जो हम जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं इंटरचेंजिंग पोजीशन, होता क्या है कि जब, अब इसमें कंडीशन आती है कि जब इनके आपस के स्थान को, इनके स्थान को आपस में बदल देते हैं। क्या कहा मैंने, जब इनके स्थान को, ए और बी के स्थान को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो क्या होता है, पहले हम इनको बदलें, ओके। जब हम इनको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई ना, बदलने पर, आपस में स्थान बदलने पर, आपस में स्थान बदलने पर, ओके। तो B की पोजीशन क्या हो जाएगी, B की पोजीशन 13 हो जाएगी और A की पोजीशन आपकी 18 हो जाएगी। सवाल क्या था कि A की पोजीशन बाईं ओर से 13वीं, B की पोजीशन दाईं ओर से 18वीं, और जब इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो क्या होता है, तो A की पोजीशन, A की पोजीशन बाईं ओर से, ए की पोजीशन बाईं ओर से, आप कह सकते हैं कुछ भी, कह दीजिए कि 25 हो जाती है। क्या हो जाती है, 25। किसकी, ए की पोजीशन कब हो जाती है, जब इनको हम आपस में बदलते हैं। क्या कहा, इनको हमने आपस में बदला तो क्या हुआ, जब हम इनको आपस में बदलते हैं तो ए की पोजीशन बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो 25 हो गई, तो अब हमें क्या करना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये हमें ज्ञात करना है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे,
कि हमें ए की पोजीशन बाईं ओर से पता है, बी की पोजीशन दाईं ओर से पता है, तो हम टोटल व्यक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो टोटल कैसे हम निकालते थे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ओके, तो लेफ्ट की क्या है आपकी 25 प्लस 18 माइनस वन, क्या है 25 प्लस 18 माइनस वन। ओके, तो 8 5 13, 2 1 3 4 माइनस वन और ये 42, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 42 लोग हैं। ओके, टोटल संख्या कितने ही लोगों की, 42 टोटल जब हम निकालते हैं। तो ये होता है आपका इंटरचेंजिंग पोजीशन, समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो चलिए और प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं। ओके, आपको समझ में तो आ गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात इस पे है नहीं। ठीक, ये मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण समझाने के लिए बताया है। तो हम बात करेंगे अब प्रश्नों की, देखते हैं कैसे प्रश्न है। प्रश्न नंबर वन लिखा है, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में एक्स का स्थान, एक्स का स्थान बाएं से 17वां, है जबकि वाई का स्थान दाहिने से, दाहिने से 14वां है। ओके, यदि वे आपस में अपने अपने स्थान को यदि वो आपस में अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें, तो एक्स का स्थान बाएं से सातवां हो जाता है। ओके, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 21, बी है 22 एंड सी है 19 एंड डी है 20। अब समझिए, देखिए क्या कह रहा है, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं एंड इस पंक्ति में एक्स का जो बाएं से स्थान है वो है 17वां, जबकि वाई का स्थान दाहिने से कितना है 14वां है। यदि आपस में इंटरचेंज कर लें, आपस में अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें,
तो एक्स का स्थान बाएं से सातवां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? इट्स टू सिंपल, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसके पहले सेम ऐसे ही सवाल बताया था। क्या कह रहा है? एक्स का स्थान बाएं से, एक्स का स्थान बाएं से कितना बता रहा है? सत्रहवां है, सत्रहवां। ओके, फिर क्या कह रहा है? जबकि वाई का स्थान कितना कितना है? चौदहवां। ओके, फिर कह रहा है जब यदि वे आपस में अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें। ठीक है भैया, इनको परिवर्तित करा देंगे तो वाई इधर आ जाएगा और एक्स जो है इधर चला जाएगा। ठीक, तो वाई की पोजीशन क्या हो जाएगी? वाई की पोजीशन 17 एंड एक्स की 14वीं हो जाएगी। ओके, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? परिवर्तित करा दिया तो फिर कहता है कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से सातवां हो जाता है। ठीक है भैया, इसका सातवां करा देते हैं हम। तो अगर हम इसका सातवां करा देंगे, किसका? एक्स का। ठीक है, क्या करा दें? ये सातवां करा दिया। ओके, तो फिर कह रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखते हैं कुल कितने छात्र हैं, टोटल निकाला है हमको, टोटल देख लेते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल आप क्या हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ओके, तो लेफ्ट कितना है आपका? 7 प्लस 14 माइनस वन। ओके, 14 7 कितना होता है आपका? 21, और 21 में एक घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। तो 20, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो पंक्ति में कुल 20 छात्र हैं। आपको प्रश्न का नेचर समझ में आ गया होगा, तो आप प्रश्न का नेचर समझिए, प्रश्न को सॉल्व करिए। ओके, समझ में तो आ गया होगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। ओके, इसी में हम और कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, केवल इसको हम कर देते हैं 21, प्रश्न नंबर दूसरा, और यहाँ पे कर देते हैं आपका 28, और यहाँ पे कर देते हैं आपका 14, और ऑप्शन पता नहीं क्या आएगा। दूसरा प्रश्न बन गया आपका कि एक छात्र पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस पंक्ति में एक्स का स्थान बाएं से 21वां है एंड जबकि वाई के स्थान दाहिने से 28वां है। तो यदि आपस में अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से 14वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखिए कह रहा है क्या, एक्स का बाएं से 21वां। ओके, फिर कह रहा होगा वाई का दाएं से 28वां। ओके, अब इनको क्या कह रहा है? इंटरचेंज करेगा, आपस में इनको बदलेगा, एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह। तो ठीक है, ले आते हैं इनको। तो वाई की जो पोजीशन हो जाएगी वो 21 हो जाएगी, जबकि जबकि एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ओके, फिर क्या कह रहा है? इंटरचेंज कर दिया हमने। फिर कह रहा है तो एक्स का स्थान बाएं से 14वां हो जाता है। एक्स का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 14वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कुछ नहीं करना, फिर वही काम है, टोटल कर देते हैं। टोटल टोटल लेफ्ट प्लस राइट 14 प्लस 28 माइनस वन, 14 42 है ना, 42 माइनस वन 41 आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। ओके, चलिए
नेक्स्ट टाइप का थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें अभी तक जो बातें हो रही, मान लीजिए इसको जो कुछ नहीं करते हैं हम, इसको हम एक शब्द बदलते हैं क्या, इसका हम एक शब्द बदलते हैं कि जो एक्स का स्थान है अभी तक कहां से हो जाता था, ये बाएं से, अब इसको हम दाएं से कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। क्या कर देते हैं? दाएं से कर देते हैं। कहां से? दाएं से। तो अब समझ लीजिए, और एक्स का नहीं, अब हमें करना पड़ेगा वाई का। किसका? वाई का। और यहां पे दाएं से। सवाल आपका वही है, केवल दो शब्द बदले हैं। अभी तक परिवर्तित होता था, नया जो हमें मान मिलता था एक्स का वो बाएं से मिलता था, अब जो वाई का मिलेगा वो दाएं से मिलेगा। अब समझिए कैसे होगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्स की जो वैल्यू, एक्स का जो बाएं तरफ से रैंक है वो 21 है अकॉर्डिंग टू गिवन योर प्रश्न, ठीक। और जबकि वाई का स्थान दाहिने ओर से 28। ओके, यदि वे आपस में अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं तो वाई का स्थान दाएं से 14 हो जाता है, दाएं से 14 हो जाता है। तो इनने अपने अपने स्थान को आपस परिवर्तित कर लिया। ओके, तो होता क्या है कि वाई का स्थान अब क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। कहां से? दाएं से वाई का स्थान कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। बस इतना करना था। क्या करना था? इतना करने के बाद फिर वही करना है, वही कहानी। कौन सी कहानी? कि 14 प्लस 21 माइनस 1। ओके, तो 14 प्लस 21 है ना? हाँ, 14 प्लस 21। ओके, 5.5 और ये हो जाएगा 3, 35 माइनस 1। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब इसका आंसर आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, थोड़ा सा अलग क्या हो सकता है। ओके, ये हो गए आपके 2-3 प्रश्न, ठीक। और थोड़ा सा अलग टाइप की बात करते हैं। समझिए नया प्रश्न। प्रश्न क्या है कि लड़कों की कतार में अजब बाएं से सातवें तथा दयाल दाएं से नवे स्थान पर हो जाते हैं, नवे स्थान पर क्या कह रहा पर हैं
स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजब गजब अजब बाएं से ग्यारहवें स्थान पर चला जाता है ओके तो अजब के प्रारंभिक प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं अजब गजब ओके तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं क्या करता है ये। हाँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल को, क्या कह रहा है। लड़कों के कतार में अजब बाएं से सातवें तथा दयाल दाएं से नवें स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से ग्यारहवां हो जाता है या चला जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको कहना है। ओके तो अजब के प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच कितने लड़के हैं ये हमको बताना है। ओके तो करना कुछ नहीं है, जैसे करते आ रहे थे वैसे करना है, बाकी कुछ भी अलग नहीं करना है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच निकालना है। बीच मैंने बताया था कैसे निकालते हैं आपको, चलिए आगे बताएंगे। ओके लड़कों कतार में अजब बाएं से सातवां, अरे भाई अजब बाएं से सातवां ओके सातवां हो गए। फिर कहते हैं दयाल एक टांग देते हैं इस पे, दयाल नवा हो जाता है, नवा हो गया। ओके इसके बाद फिर कह रहा है तो अजब बाएं से ग्यारहवें हो जाता है या ग्यारहवें स्थान पे हो जाता है, अजब अजब बाएं से, अभी इनको चेंज करना है ना, इसको चेंज करते हैं। अभी देखिए ये दयाल आ गए यहाँ, ये दयाल आ गए जिनकी जो पोजीशन हो गई क्या हो गई सातवीं, और इधर से क्या आ गए अजब जिनकी पोजीशन नवी हो गई। ओके आपस में ये चेंज तो हो गए, परिवर्तित हो गया इनका। ओके इनको हमने परिवर्तित तो कर दिया, ठीक है, दयाल की सातवीं हो गई और इसकी ग्यारहवीं हो गई, ठीक। तो फिर कह रहा है ये जो अजब है ना, अजब बाएं से ग्यारहवें स्थान पर चला जाता है, अजब ग्यारहवां हो जाता है, अजब बाएं से ग्यारहवां हो जाता है। तो प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं,
ओके परिवर्तित ये देखिए ये प्रारंभिक है आपका अजय सॉरी अजब प्रारंभिक है। आप तो पहले ये समझिए ना कि प्रारंभिक और आरंभिक मतलब जो भी है परिवर्तित और ये परिवर्तित है ये परिवर्तित हो गया तो हमें किसके बीच की बताना है अजब के ही बीच में प्रारंभिक और आरंभिक लड़कों के बीच की दूरी बताना है। ओके तो हम बीच कैसे निकालते थे हम बीच कैसे निकालते थे बीच बीच हम कैसे निकालते थे तो हम निकालते थे लेफ्ट माइनस राइट माइनस वन लेफ्ट माइनस राइट माइनस वन। ओके ओके सॉरी लेफ्ट माइनस लेफ्ट हम जब बीच निकालते हैं तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट ठीक है राइट का उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है तो होता क्या है सातवां और या आप कह सकते हैं पहले ग्यारहवां लिखने बड़ी संख्या ग्यारहवीं माइनस सातवीं माइनस वन। ओके तो ये कितना बचे चार चार माइनस वन यानी कि तीन बीच में जो संख्या होगी वो तीन होगी यानी कि आरंभिक और परिवर्तित अजब के बीच में जो लड़के होंगे वो होंगे तीन यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट वन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा आपको क्या कह रहा है ठीक है यानी कि हमें इसमें कुछ नहीं करना था कुछ भी नहीं करना था टोटल बताने के बजाय हमें केवल बीच निकालना था। अभी इसमें टोटल बोलता क्या बोलता टोटल तो टोटल देखो कैसे निकालते टोटल किसी में मान लो पूछ लेता कि उनके बीच के बीच में लड़के प्लस आप ये बताओ कि इसमें कितने लड़के हैं टोटल तो टोटल भी अगर पूछता तो कुछ नहीं करना था इसमें करना क्या था ये हम बताते कैसे ग्यारह प्लस नाइन माइनस वन ओके बीस माइनस वन उन्नीस लड़के हैं टोटल इस पे कितने उन्नीस तो समझ में आ गया होगा पहले हम टोटल बताते थे अभी तक अब हमने इसमें बीच बता दिया बीच का सूत्र क्या होता है लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट माइनस राइट फ्रंट माइनस फ्रंट बैक माइनस वन ठीक और लेफ्ट राइट टॉप माइनस वन बॉटम माइनस वन इस तरह से हमारा बीच निकल आता है। ओके और आपने देखा होगा टोटल भी कैसे निकल आया टोटल भी निकल आया बीच भी निकल आया तो बचा क्या सवाल कुछ भी नहीं तो एक और देख लेते हैं फिर ठीक इसके बाद चलते हैं एक और देख लेते चौदह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
सुहास लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से पेरा हुआ है। ओके अरुण अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाई ओर से दसवां है। यदि उस पंक्ति में पैंतीस लड़के हैं, ओके हो गए, तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्यारह, 10, 12 ठीक, ये ऑप्शन हो गए आपके। चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या होगा, इसका सिस्टम बनेगा क्या। सुभाष लड़कों के एक पंक्ति में बाएं से दे रहा हूं, सुभाष बाएं से, सुभाष सुभाष ओके बाएं से दे रहा है, ठीक है, और दाई ओर से क्या है, कौन, अरुण, अरुण कितना है, दाई ओर से है आपका दसवां, दसवां ओके। उस पंक्ति में टोटल 35 लोग हैं, यानी 35 लड़के हैं। तो सुभाष और अरुण के बीच की दूरी हमें बताना है, सुभाष और अरुण के बीच की दूरी हमें बताना है। तो हम सुभाष और अरुण के बीच की दूरी कैसे बता सकते हैं, सुभाष और अरुण के बीच की दूरी हम कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले तो हम जब बीच निकालते हैं तो उसके लिए हमें पहले किसी का राइट, यानी कि हम किसका राइट निकालें। अगर इनके बीच अगर हमें निकालना है, सबसे पहले तो देख लेते हैं बीच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इन दोनों को जोड़ें, 13 + 10 कितना हो गया, 23। 35 लोग हैं, और एक प्रैक्टिकली समझिए इस सवाल को, आप कुछ भी ना समझें, 35 लोग हैं और दाएं से मेरा क्रम है दसवां, दाएं से मेरा क्रम है दसवां, और आपका क्रम है मान लीजिए, चलिए इसी को ले लीजिए, 13वां है, ठीक। दाएं से 13वां आपका है, बाएं से 10वां मेरा है, ओके। टोटल पंक्ति में 35 लोग हैं, ठीक, तो हमें बीच में निकालना है कि बीच में कितने होंगे, बीच में कितने होंगे। तो अगर हम जोड़ दें अपनी अपनी क्रम और जो टोटल में से घटा दें तो बीच में से ना निकल आएगा, बीच में से नहीं निकल आएगा, और इसे इसको करना है। तो क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, 35 - 23, 35 - 23 आपका हम घटाते हैं तो आ जाता है आपका 12। अब यहां पे एक बात समझिए, 12 तो हमारा आ गया करेक्ट आंसर, 12 तो आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। हमने सीधा सीधा 35 में इसको घटा दिया, ठीक, हमने सीधा सीधा इसको घटा दिया, 35 में तो घटा दिया, मान लीजिए कि हमने इसको कर लिया,
लेकिन एक कंडीशन ये बनती है इसी सवाल में क्या बनती है, हमने 23 को कैसे घटा पाए, क्योंकि 35 बड़ी संख्या है, 35 बड़ी संख्या है, इस वजह से हमने 23 घटा के भी 12 हम लिया है। ओके, लेकिन सपोज दैट यहां 35 के जगह 35 की जगह 18 होती, टोटल संख्या 35 की जगह 18 टोटल संख्या होती, तो क्या करते, क्या हम 18 में 23 घटा के लिए आते क्या आंसर? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में ये देखिए, ये जो होता है ना केस, ये केस आप कह सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये केस जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम का केस होता है। ये जो हमने अभी सॉल्व किया, ये 35 वाला, ये कौन सा था, ये आपका मैक्सिमम था, 35 वाला ये हमने कर दिया सीधा सीधा मैक्सिमम। ओके, अब हम मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम। ओके, तो मिनिमम में क्या होता, मान लीजिए यहां पे हमारी जो संख्या होती वो 18 होती, ठीक, तब हम बीच में कैसे निकालते, मिनिमम का केस निकालना है तो बीच हम निकालते ऐसे हैं कि उसका सूत्र होता है आपका बीच निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट, माइनस टोटल प्लस दो, तो क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट 13 प्लस 10, ओके, माइनस टोटल 18 प्लस 2, ओके, 13 10 23 माइनस 18 2 20, तो मिनिमम आंसर जो आता है, इसका पूछता भी है कि इसका मिनिमम आंसर बताइए और मैक्सिमम आंसर बताइए, दोनों पूछ लेता है, ये दोनों में से एक कोई पूछ लेता है। आपको सीधा सीधा अगर बड़ी संख्या दिख रही तो आप मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम निकालने के लिए आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, ठीक, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट्स करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।